वेलकम फ्रेंड, मैं मंतोष और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल मंतोष में। सो फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अगर राशन कार्ड में ईकेवाईसी नहीं है तो आपका नाम राशन कार्ड से हटा दिया जाएगा, लेकिन अब राशन कार्ड में ईकेवाईसी करना आसान हो गया है। अब आप सरकार द्वारा दी जा रही एजेंट आईडी और पासवर्ड को लेके अपना राशन कार्ड में ईकेवाईसी और साथ ही साथ आप अपने गांव के लोगों का भी ईकेवाईसी कर सकते हैं और महीने का 50,000 रुपये तक कमा सकते हैं। तो आप किस तरह से एजेंट आईडी और पासवर्ड लीजिएगा, इसकी जानकारी इस वीडियो में बतलाया गया है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल में नए आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आप तक पहुँच सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको यह लेना है कि आपके राशन कार्ड में कितने मेंबर हैं और जो इतने सारे मेंबर हैं, सारे मेंबर का ईकेवाईसी है या नहीं है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। प्ले स्टोर को ओपन कर लेने के बाद आपको क्या करना है, आपको सर्च बार में टाइप कर देना है मेरा राशन। आपको यहाँ पे मेरा राशन लिख लेने के बाद सर्च पे क्लिक कर देना है। सर्च पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ इस तरह का एप्लीकेशन देखने के लिए मिल जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा मेरा राशन, तो आपको क्या करना है, इसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल कर लेने के बाद आपको क्या करना, ओपन पे क्लिक करना। ओपन पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जा रहा आधार शेडिंग, तो आपको क्या करना, आपको इस पे क्लिक करना। इस पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन देखने के लिए मिल जा रहा है, पहला राशन कार्ड नंबर, दूसरा आधार नंबर। तो यहाँ पे आपको जो ऑप्शन सही लग रहा है आपको उस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट कर लेने के बाद आपको क्या करना है, उस ऑप्शन का जो नंबर होता है, जैसे कि अगर आपने राशन कार्ड नंबर को सिलेक्ट किया है तो राशन कार्ड नंबर को आपको यहाँ पे फिल कर देना और उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देना। तो चलिए हम लोग फिल कर लेते हैं। राशन कार्ड नंबर को फिल करने के बाद सबमिट पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने के लिए मिल जा रहा है, जहाँ पे आपको डिटेल्स देखने के लिए मिल जा रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके राशन कार्ड में कुल कितने मेंबर है, सारे मेंबर के नाम आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जा रहा है। और उसके बाद आधार शीडिंग भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे यस लिखा हुआ है और दो मेंबर का जो है यहाँ पे नो लिखा हुआ है, मतलब इनका जो राशन कार्ड में आधार लिंक है वो आधार लिंक नहीं है। तो आप किस तरह से अपने मेंबर का या अपना खुद का राशन कार्ड में ईकेवाईसी को कंप्लीट कीजिएगा, तो वो भी मैं आपको इसमें बतलाने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने नजदीकी राशन डीलर के पास जाना है। राशन डीलर के पास जाने के बाद अपना जो ईकेवाईसी है उसको कंप्लीट कर लेना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको बैंक आना है। बैंक आने के बाद आपको एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जा रहा है नियर बाय राशन शॉप, आपको क्या करना होगा, आपको इस पे क्लिक करना है। इस पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं आप देख सकते हैं आपके नजदीकी में जितने सारे राशन डीलर है, सारे राशन डीलर का जो लोकेशन है वो लोकेशन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाए। तो आप देख सकते हैं अगर आपके नजदीकी में अगर कोई राशन डीलर नहीं है तो आप सरकार द्वारा दी जा रही है फ्री में एजेंट आईडी और पासवर्ड को लेकर आप अपना ईकेवाईसी और साथ ही साथ अपने गांव के लोगों का भी ईकेवाईसी को कर सकते हैं और महीने के अच्छा खासा पैसा आसानी से कमा सकते हैं। तो इसको किस तरह से करना है, एजेंट आईडी को किस तरह से लेना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, अपने मोबाइल में किसी एक ब्राउजर को ओपन कर लेना है। ब्राउजर को ओपन कर लेने के बाद आपको क्या करना है, आपको सर्च बार में टाइप कर देना है राशन ईकेवाईसी एजेंट। आपको यहाँ पे टाइप करके लिख देना है राशन ईकेवाईसी एजेंट। लिखने के बाद आपको क्या करना है, सर्च पे क्लिक करना है। सर्च पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो फर्स्ट वाला लिंक देखने के लिए मिल रहा है फूड डिपार्टमेंट ईकेवाईसी एनरोलमेंट, तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ भी दिख रहा है बिकम एन ऑथोराइज ईकेवाईसी एजेंट एंड अर्न कमीशन अप टू 50,000 पर मंथ। अगर आप एक ऑथराइज ईकेवाईसी एजेंट बन जाते हैं तो आप महीने का 50,000 रुपये तक कमीशन कमा सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो चुका है। यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है, रजिस्ट्रेशन कर लेना है। उसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जा रहा है एजेंट नेम, मतलब जो अपना एजेंट आईडी और पासवर्ड लेगा उसका नाम आपको यहाँ पे फिल कर देना, और उसके बाद उसका जो मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर को यहाँ पे फिल करना होगा, और उसके
उसके बाद ईमेल आईडी को फिल कर लेना है और उसके बाद आपको एक पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट कर लेना है। सेम पासवर्ड आपको एक बार फिर से यहाँ पे फिल कर देना है और रजिस्टर नाउ पे क्लिक कर देना है। रजिस्टर नाउ पे जैसे ही क्लिक करते हैं आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, उस वाले ओटीपी को फिल करके आपको जो रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट कर लेना है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट कर लेने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जा रहा है लॉगिन। तो अगर आप चाहते हैं इस पोर्टल पर लॉगिन करने के लिए तो आपको क्या करना है, अपना मोबाइल नंबर या यूजर नेम आपको यहाँ पे फिल करना होगा और जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया है वो पासवर्ड को आपको यहाँ पे फिल कर देके लॉगिन पे क्लिक कर लेना। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं यहाँ पे अपना जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसको इंस्टॉल करूंगा तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जा रहा डाउनलोड एजेंट मोबाइल एप्लीकेशन। तो आपको अगर महीने का अच्छा खासा 50,000 रुपए कमाना है तो आपको क्या करना होगा, ये एजेंट मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। तो उसके लिए आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है गूगल प्ले पे डाउनलोड वाला बटन, आपको इस पे क्लिक करना है। इस पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका जो एप्लीकेशन है यहाँ पे आपका डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ पे डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे जो फाइल है वो डाउनलोडिंग हो रहा है। जैसे ही डाउनलोडिंग कंप्लीट हो जाएगा आपका फाइल डाउनलोड हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फाइल जो है वो डाउनलोड हो चुका है। आपको क्या करना है, इस पे ओपन पे क्लिक करना। ओपन पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं यहाँ पे आपको इंस्टॉल करने के लिए कहा जाएगा, आपको इंस्टॉल वाले बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं आपका जो फाइल है जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हो चुका है। तो यहाँ पे आपको ओपन पे क्लिक करना है। ओपन पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ इस तरह का परमिशन देखने के लिए मिल जाएगा। आपको क्या करना है, अलाउ पे क्लिक कर देना है। अलाउ पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं एक बार आपको फिर से यहाँ पे परमिशन देना है, जितने सारे परमिशन है सबको ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मोबाइल एजेंट एप्लीकेशन का एप्स है वो यहाँ पे ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जा रहा डीलर लॉगिंग, दूसरा एजेंट लॉगिंग। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एजेंट लॉगिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जा रहा सिलेक्ट एजेंट टाइप। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, नॉर्मल एजेंट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपने जो एजेंट आईडी को क्रिएट किया वो एजेंट आईडी आपको यहाँ पे फिल कर देना है और आपका जो पासवर्ड है वो पासवर्ड को आपको इस पे फिल कर देना है। और उसके बाद आपको क्या करना है, लॉगिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। लॉगिंग वाले ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं आप एजेंट आईडी पे लॉगिन कर जाइएगा और आप लॉगिन करने के बाद आप अपना ईकेवाईसी और साथ ही साथ आप अपने गांव के भी लोगों का ईकेवाईसी को आसानी से कर पाएंगे और अच्छा खासा कमीशन भी ले पाएंगे। तो इस तरह से अगर आप भी सरकार द्वारा दी जा रही है एजेंट आईडी और पासवर्ड को लेना चाहते हैं तो आप आसानी से ले सकते हैं। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पूरी तरह समझ में आ गया है। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो पर एक लाइक कर दीजिएगा और अगर मेरे चैनल में नया आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए Thank you.